नए साल में आम आदमी को बड़ी राहत मिल सकती है। पेट्रोल और डीजल के दाम में 10 रुपए तक की कटौती हो सकती है। दरअसल देश की आम जनता को राहत देने और चुनाव से पहले महंगाई को कंट्रोल करने के लिए देश की सरकारी ऑयल कंपनियां फरवरी के महीने में पेट्रोल और डीजल को सस्ता कर सकती है। दोनों की कीमतों में 10 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती करने का विचार किया जा रहा है। ऑयल कंपनियों का मुनाफा दिसंबर 2023 तिमाही में 75,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है और इसी को देखते हुए कंपनियां पेट्रोल और डीजल के दाम घटा सकती है। इस कदम से महंगाई को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। फिलहाल पेट्रोल और डीजल के दाम की बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली में आज भी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपए और 1 लीटर डीजल का भाव 89.62 रुपए पर टिका हुआ है। इसी के साथ ही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो यहां पेट्रोल के दाम 106.31 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 94.27 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर है। इसके अलावा चेन्नई में पेट्रोल के भाव 102.63 रुपए प्रति लीटर और डीजल का भाव 94.24 रुपए प्रति लीटर पर टिका हुआ है। सरकारी फ्यूल रिटेलर्स ने अप्रैल 2022 के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। अब कंपनियों ने प्राइसिंग रिव्यू को संकेत दिया है। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि ओएमसी यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 10 रुपए प्रति लीटर का प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है जो कि अब ग्राहकों को आने वाले महीने में दिया जा सकता है। सूत्रों की माने तो ओएमसी को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की पहली छमाही में तगड़ा मुनाफा हुआ। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के मुकाबले 4,917% का इजाफा देखने को मिला है। इसी वजह से कंपनियां इस महीने आखिर तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 से 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती करने पर विचार कर सकती है। आपको बता दें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने घोषणा की है कि वो 27 जनवरी को अपनी तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित करेगी, जबकि अन्य दो कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड भी इसी समय के आसपास अपने नतीजों का ऐलान करेगी।